इस बार कैसा वीडियो है, ब्लर है या ठीक है? ठीक है सर। ठीक है तो करते हैं। सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा? आ तो रहा है। चौदह तक हम लोग कर लिए थे। यस सर। 15 किसी को है? फिर से आ रही है। 14 फिर से। 14 देखो, 8 कार्ड बियरिंग नंबर 128 आर वेल सफोल्ड, देन इन हाउ मेनी केसेज द टॉप टू कार्ड्स विल फॉर्म ए पेयर ऑफ ट्वीन प्राइम इक्वल्स। ट्वीन प्राइम दो प्राइम नंबर का पेयर होता है जिनका डिफरेंस 2 होता है। तो ऐसे हमारे पास 3, 5 और 5, 7 ये दो पेयर बन सकते हैं। तो हमारे पास ये दो केसेज है, 3, 5, 5, 7, तो दो केसेज हो सकते हैं और प्रत्येक केसेज में 3, 5 और 5, 3 ये भी आपस में अरेंज होगा 2 फैक्टोरियल से। तो एट ए टाइम कोई एक ही पेयर यूज होगा तो बाकी हमारे 6 डिजिट्स बच जाएंगे, उनका आपस में अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल होगा। 15 बताना है। ठीक है। नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 1 लाख विच कंटेन्स 1, 2, 3 एग्जैक्टली वंस एंड रिमेनिंग डिजिट्स एनी टाइम इज। अप टू 1 लाख का मतलब क्या हुआ ये पहले हमें समझना होगा। अप टू 1 लाख का मतलब हमें 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट सब लेने होंगे। 1 लाख क्या होता है? 1 लाख ये होता है, इसमें अगर हम 1 लाख लेते हैं तो 1 तो आ गया लेकिन 2 और 3 नहीं आया है। सो हमें 3 डिजिट चाहिए, 4 डिजिट चाहिए, 5 डिजिट चाहिए। 1, 2, 3 वंस है, रेस्ट रिपीटेशन है। ठीक है, रिपीट अलाउड, रेस्ट के लिए रिपीटेशन अलाउड है अपने पास। तो अब हमारे पास देखो 1, 2, 3 अगर हम 5 डिजिट का लेते हैं, कंसीडर 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट का नंबर कंसीडर करेंगे तो इसमें 3 प्लेसेज 1, 2, 3 के लेंगे वो हमारा 5C3 होगा। ये आप में अरेंज करेगा 3 फैक्टोरियल से। ठीक है। अब हमारे पास डिजिट कितने बचे? 1 0 है और बाकी 4 से 9 तक। 1 0 है और बाकी 4 से 9 तक है, तो ये 7 डिजिट अपने पास है और प्लेसेज 5 डिजिट नंबर में प्लेसेज 2 बचे हैं, सो वो हमारा 7 स्क्वायर होगा। 0 कहां पर है, 0 कहां पर है इसका बात हम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि 0, 0, 1, 2, 3 हो जाए, तो ये हमारा 3 डिजिट नंबर को संभाल लेगा। ऐसा हो सकता है 0, 1, 4, 3 हो जाए, ऐसा केस हमारा 4 डिजिट नंबर को संभाल लेगा। और ऐसा हो सकता है 1, 2, 5, 3 हो 4, तो ये हमारा 5 डिजिट नंबर को संभाल लेगा। तो ये 3 डिजिट है, ये 4 डिजिट है और ये 5 डिजिट है। 0 कहां पर होगा इसका बात हम नहीं कर रहे हैं। 2 प्लेसेज 7 डिजिट, 7 स्क्वायर हो गया। तो ये जब हम लेंगे तो हमारा 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट सारे एक साथ हैंडल हो रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग 16 करेंगे। सेवेंटीन,
यस सर पूछना है। 17 इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन ए डिक्शनरी देन हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद एम। तो सबसे पहले हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको सजाएंगे। तो एग्जामिनेशन में पहला आएगा ए, ए, ई, दो ठो आई है, एम, एन, ओ, टी, एक्स। यहां पर काउंटिंग के हिसाब से 11 लेटर थे, यहाँ कितने हुए? 4, 4, 8, 10। एक कोई छूटा है, कौन छूटा? एन, एन, एन। अच्छा एन दो बार है, एन दो बार है, ठीक है। yes, ये एग्जामिनेशन है। अब इसमें हमें एम से पहले वाला सारा वर्ड निकालना है। तो एम से पहले, एम से पहले देखो ए और आई रिपीट है, तो ए और आई को हम एक साथ कंसीडर करेंगे, तो ये दोनों में से कोई एक लेंगे। सपोज कर लिए कि ए ले लिए, तो अब मेरे पास 10 लेटर बचे हैं, तो ये 10 लेटर्स हमें 10 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, जिनमें आई दो बार है और एन दो बार है। अब ए से स्टार्ट होने वाला सारा आ गया, आई से स्टार्ट होने वाला सारा आ गया, अब ई से स्टार्ट होने वाला लेंगे। एम के पहले एक ही लेटर ई है जो सिंगल है, ई अगर हम ले लेंगे तो मेरे पास 10 लेटर बचे हैं, वो अरेंज होगा जिसमें ए रिपीट है, आई दो बार और एन दो बार, ये हमारा बनेगा। तो ये एम से पहले सारे आ जाएंगे इसमें, इसमें कोई दिक्कत? सर ए वाला एक बार और। हाँ देखो एम के पहले लेटर से जितने भी बन सकते हैं वो सारे हमें बनाने हैं। तो एम से पहले ए और आई, ए और आई दो दो है, तो इन दोनों को हम एक साथ कंसीडर करेंगे, 2C1, दोनों में से कोई एक, कोई एक ले लिए तो मेरे पास 10 लेटर बचे हुए हैं। इन 10 लेटर में आई दो बार है और एन दो बार है, उनको अरेंज करोगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और ई वाला तो हो गया होगा, अब 17 है, हो गया 18, 18 है, यस सर 18। और आउट ऑफ 16 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम 4 आर बॉलर्स एंड 2 विकेट कीपर्स, ए टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज टू बी चूजेन सो एज टू कंटेन एट लीस्ट 3 बॉलर्स एंड एट लीस्ट 1 विकेट कीपर, द नंबर ऑफ एज इन विच द टीम बी सिलेक्टेड। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं कि 4 बॉलर है, 2 विकेट कीपर है, तो रेस्ट हमारे पास 10 हो जाएंगे, तो 10 और 6 16 हो गए, 10 और 6 16। अब इसमें हर बार हमारा टीम जो है 11 प्लेयर का है, कम से कम 3 बॉलर और कम से कम 1 विकेट कीपर, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे केसेज, 3 बॉलर 1 विकेट कीपर, तो 4 हो गए, 7 हमारा रेस्ट होगा। ये केस देखते हैं, 4C3 × 2C1 × 10C7। एक अगला केस करते हैं, 3 बॉलर 2 विकेट कीपर, तो 6 हमारा रेस्ट प्लेयर होगा, तो 11 बनेगा। तो 3 बॉलर हमारा 4C3, 2 विकेट
कीपर 2c2 एंड 6 रेस्ट है तो 10c6। नेक्स्ट केस होगा 4 बॉलर 1 विकेट कीपर 6 रेस्ट है तो ये देगा 4c4 इंटू 2c1 इंटू 10c6। एक और केस होगा 4 बॉलर 2 विकेट कीपर एंड 5 रेस्ट तो 11 हो गए। यहां पर लिखेंगे 4c4 इंटू 2c2 इंटू 10c5। अब इनको ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में केस लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हारा केस सही लिया गया तो तुम्हें ये लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, आसानी से तुम लिख सकते हो और सबको ऐड करने से आंसर्स आ ही जाते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए कंप्लीट हुआ, अब हम लोग सेक्शन बी करेंगे। B1, B2, करते हैं। ए नीचे लिस्ट नेचुरल नंबर हैविंग 24 डिवाइजर्स, देन द नंबर ऑफ वेज इन कैन बी रिजोल्ड इनटू 2 फैक्टर्स। दो फैक्टर्स में डिवाइड करने वाला नंबर ऑफ वेज क्या था? नंबर ऑफ डिवाइजर्स बाय 2। अगर हमारा नंबर ऑफ डिवाइजर इवन रहा तो, अगर वो ऑड रहता था तो प्लस 1 करके 2 से डिवाइड करते थे। तो यहाँ 24 क्या है, ये तो इवन है तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिखेंगे 24/2, 12 हो गया। अब यहाँ पर एक ये केस बचता है, कई लोग के मन में ये सवाल पैदा हो सकते हैं कि हमको ये क्वेश्चन नहीं बनाना है कि दो फैक्टर में कितने तरीके से रिजॉल्व होंगे, हमको ये नंबर ही निकालना है, वो नंबर जो लिस्ट हो और 24 डिवाइजर हो। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसे हम लोग लिस्ट प्राइम नंबर्स या लिस्ट प्राइम नंबर से बनाएंगे। तो सबसे पहले 24 को फैक्टराइजेशन करो, तो 3 × 2 × 2 × 2। तो हमारा लिस्ट एन जो होगा वो देखो क्या होगा, ज्यादा पावर छोटे नेचुरल नंबर पे देंगे 2 स्क्वायर। तुम्हारा नंबर ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला क्या था, p+1 × q+1 × r+1। तो अगर तुम्हें 3 चाहिए तो पावर 2 होंगे, ये 2 जो है वो 3 का पावर में देंगे और ये 2 5 के पावर में देंगे और ये 2 7 के पावर में देंगे। ये हमारा लिस्ट नेचुरल नंबर तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत? और हम तुमको दिखा सकते हैं सर, इसको एक बार और बता। लिस्ट एन सबसे पहले 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब ये लिस्ट एन है या नहीं सो देखो, ऐसा हो सकता था 3 × 8, तो हम लोग ऐसा कर सकते थे 2 × 7 × 3 × 2, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन अगर तुम कंपेयर करोगे तो ये नंबर इससे बड़ा हो जाएगा। फिर हम लोग ये सोच सकते थे 3 × 4 × 2, ये भी ले सकते हैं। तो ज्यादा पावर हम लोग छोटे नेचुरल नंबर पे देंगे, 2 × 3। और 3 जो है वो 3 × 2 देंगे और ये 2 के लिए 5 × 1
अगर तुम इसको और इसको कंपेयर करो तो अभी भी ये इससे बड़ा है। नहीं तो तुम देखो 2² और 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 7 × 5 = 35 हो गया और यहाँ कितना हुआ 2² और 3 कॉमन लेने के बाद 5 × 3 = 15 × 30 कौन हुआ, ये छोटा हो जाएगा ना 2² 3 कॉमन लेने 5 × 3 × 2² 3 = 5 दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पर बचा 3 और 2, ये वाला छोटा हो जाएगा, ये लिस्ट 10 होगा, ये वाला लिस्ट नहीं हो पाया क्योंकि इन दोनों में कंपेयर करो तो तुम्हारा 7 ये है, जबकि यहाँ 3 × 2 = 6 हो रहा है। तो नेचुरल नंबर 2³ × 3² × 5 = 1 होगा। तो ये लिस्ट एन कैसे निकल रहा है ये समझ पाया, जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स है उसको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करना है और फिर इसको सजाना है कि कितने तरीके से हम कर सकते हैं हायर पावर्स लिस्ट नेचुरल नंबर्स पे देते रह जाना, लिस्ट प्राइम नंबर्स पे, और फिर कंपेयर करना होगा। कोई दिक्कत इसमें? ना सर। और अगर नेचुरल नंबर्स हमको निकालने का इच्छा नहीं करता तब तो सिंपल है, अगर ये इवेन है तो 2 से भागा 2, तुम्हारा 2 फैक्टर में डिवाइड होने वाला मिल जाएगा। B3 हो गया, 4 B5 B5 बताना है? यस सर, यस सर। B5 में देखो नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 5 लेटर दैट कैन बी मेड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रोपोजिशन। तो इसको सबसे पहले सारे लेटर को एक साथ हमें लिखना होगा, तो इसमें O 3 बार आया, P 2 बार है, I 2 बार है, R S T N एक एक बार है। काउंटिंग कर लेते हैं, 7 और 4 = 11, यहाँ कितने थे 4 + 8 = 11। तो लेटर तो ठीक है, अब हमें 5 लेटर का वर्ड चाहिए तो यहाँ पॉसिबिलिटी करना होगा। पहला पॉसिबिलिटी है ऑल डिफरेंट, तो डिफरेंट लेटर्स कितने हैं 4 और 3 = 7 7C5 सारे डिफरेंट है तो 5 factorial से ये अरेंज होगा। नेक्स्ट केस लेते हैं 1 pair 3 different. तो पेयर वाला कितने हैं 2 या 3, तीनों लेंगे पेयर में तो 3C1 दो लेटर ले चुके, अब बचे हमारे पास 3 लेटर, तो ये इन छावों में से एक एक लेटर ले सकते हैं, तो 6C3। अब हमारे पास जो 5 लेटर है उनमें 1 लेटर रिपीट किया तो वो 2 factorial से डिवाइड करेगा। यहां पर 2 pair और 1 different का हम ले सकते हैं, तो 2 pair कहां से आएगा, इन 3C तीनों का जो सेम है इससे 3C2 दो लेटर ले चुके, अब 5 में से कोई एक लेंगे 5C1 और इनको अरेंज करेंगे तो 5 factorial upon 2 pair 2 factorial into 2 factorial। अब हमारे पास 1 thrice and 2 different का केस आएगा, 1 thrice है तो थ्राइस का तो एक ही केस है एंड 2 different के लिए हमारे पास 6 है, उनमें से कोई भी 2 ले लेंगे तो इनको अरेंज करेंगे तो थ्राइस वाला 3 factorial से डिवाइड कराएगा। एक और केस है 1 thrice
वन पेयर, तो पहले थ्राइस को ले लेंगे और पेयर इन दोनों में से कोई एक लेंगे 2C1, तो इनको अरेंज करेंगे तो थ्राइस के कारण 3 फैक्टोरियल और पेयर के कारण 2 फैक्टोरियल। अब ये सारे केसेज हमारे हो चुके तैयार, फिर से चेक कर लेते हैं, सारे केसेज हुए नहीं, ऑल डिफरेंट, एक पेयर, दो पेयर, वन थ्राइस, वन पेयर, और कोई पॉसिबिलिटी लग नहीं रहा है, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर्स आ जाएगा, ठीक है? Yes. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सी और डी बनाए हो ना सब लोग? यस सर। यस सर। सेक्शन सी करते हैं। सेक्शन सी, सी वन, सी टू, सी टू सर, सी टू, सी टू बताना है। द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 red roses and 3 white roses, ऑल roses डिफरेंट, कैन फॉर्म ए गार्लैंड सो दैट ऑल द व्हाइट roses कम टुगेदर। देखो, ऑल द व्हाइट roses कम टुगेदर का केस देखते हैं हम लोग। हमारे पास 6 red roses है एंड 3 white roses है, और ये एक साथ आना है तो इनको एक ग्रुप बनाएंगे, तो एक ग्रुप और 6, ये हो गए 7। अब इनको गार्लैंड करना है, तो गार्लैंड कितने तरीके से बनेंगे, 6 factorial से, और गार्लैंड में 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है? Yes. अच्छा, इसमें व्हाइट रोज डिफरेंट था, वो आपस में अरेंज होगा 3 factorial से। C3 हो गया, C4 हो गया, C5 हो गया, C6 C5 कौन सा? B5 सर, C5 हाँ, C5 कर रहे हैं, C5। The number of which in which 5 beads chosen from 8 different beads be threaded onto a ring each। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हमें 8 bead में से 5 bead चुनने हैं, वो हमारा 8C5 होगा। इस प्रोसेस से हमने 8 में से 5 bead को चुन लिया। अब इन बीड से हमें रिंग बनाना है, तो वो हमारा क्या होगा, 5-1 फैक्टोरियल तरीके से रिंग बनाएंगे। रिंग क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम होता है, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? यस। 6 7 ये सारा थ्योरी में दिए थे। यस सर। सेक्शन डी करना है अब। 7 है। यस सर। 7 करते हैं। इफ चॉकलेट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ब्रांड आर ऑल आइडेंटिकल देन द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन चूज 6 chocolates out of 8 different brands available in the market। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 8 different brand है, तो X1 plus X2 plus करते हुए हम लोग को X8 तक जाएगा, 8 brand है, टोटल 6 chocolates लेने हैं। ये तो सीधा सीधा कैलकुलेशन है कि अगर सभी ब्रांड का कम से कम एक अगर लेंगे तो 8 हो जाएगा। 6 होने का मतलब है किसी ब्रांड का 0 chocolate भी ले सकते हैं, सो मिनिमम 0 लेंगे, और मैक्सिमम का बात इसमें किया ही नहीं कि कितना है, क्योंकि मैक्सिमम का बात नहीं किया है, सो अनलिमिटेड लेंगे। तो यहां पर तरीका कितना होगा, 6 ये है 8,
एट माइनस वन सी एट माइनस वन, ये हो गया आठ छह चौदह ना, तो थर्टीन सी सेवन, ठीक है। हाँ तो ये दिया नहीं है तो कौन सा आंसर होगा, थर्टीन सी सिक्स हो जाएगा। टी एट टी वन हो गया सर, टी टू टी थ्री, टी थ्री है सी सिक्स, कोई बोल रहा था सी सिक्स भी कर देते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच थ्री पर्सन थ्रो ए नॉर्मल डाई टू हैव ए टोटल स्कोर ऑफ इलेवन, तो देखो तीन लोग अगर टॉस करेंगे डाई को तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री और टोटल हमें इलेवन आना है, तो एक्स आई हमारा डाइस पे एक से छह तक आ सकता है, तो ग्यारह बनाने के लिए हम लोग कहेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स का पावर इलेवन इन, सारे एक्स आई एक जैसे हैं तो एक एक्स आई का लेते हैं, कम से कम एक ले सकते हो दो ले सकते हो इस तरह से छह तक ले सकते हो, और तीनों डाइस एक जैसा है सो होल क्यू होगा। अब इसको खाली सॉल्व करो जो भी आएगा वो आंसर बनेगा। ये एक्स क्यू हमारा हट जाएगा तो यहां पर एक्स का पावर एट बचा, तो वन माइनस एक्स सिक्स का होल क्यू इंटू वन माइनस एक्स का पावर माइनस थ्री। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, वन माइनस थ्री इंटू एक्स का पावर सिक्स, वन माइनस एक्स का पावर माइनस थ्री। देखो एट जब चाहिए तो वन, यहां पर एक्स का पावर जीरो है तो सारा पावर यहां से लेंगे, तो ये दे देगा एट प्लस थ्री माइनस वन सी थ्री माइनस वन, तो वन इंटू यहां से एक्स का पावर एट का कोफिशियंट आ गया, माइनस थ्री इंटू एक्स का पावर छ, तो एक्स का पावर छ जब है तो एक्स स्क्वायर यहां से लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट टू प्लस थ्री माइनस वन सी थ्री माइनस वन, ये जो भी आएगा सो आंसर देगा, ठीक है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, डी थ्री डी थ्री में देखो छह लेटर है छह लिफाफा है, ऑड वैल्यू को ऑड वैल्यू में डालना है, इवन वैल्यू को इवन वैल्यू में डालना है, कोई भी लेटर सही लिफाफे में नहीं जाना चाहिए, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इस चीज को तो डी अरेंजमेंट बोलते हैं, तो तीन ऑड है, तीन ऑड है, थ्री ऑड है और थ्री इवेन है, तो ऑड वाले का डी अरेंजमेंट फैक्टोरियल थ्री इंटू वन बाई टू फैक्टोरियल माइनस वन बाई थ्री फैक्टोरियल्स हो गया, और इवेन वाले के लिए करेंगे थ्री फैक्टोरियल्स इंटू वन बाई टू फैक्टोरियल्स वन बाई थ्री फैक्टोरियल्स, ऑड वाला ऑड में जा रहा है लेकिन डी अरेंज होके जा रहा है तो वो ये तरीका होगा, इवेन वाला इवेन में जा रहा है लेकिन डी अरेंज होके सही नहीं जाना चाहिए, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो छह को तीन से भागा दो से भागा दोगे तो थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर ये फोर हो गया। डी फोर डी फाइव हो गया हो गया सर, डी फाइव बताओ कुछ हो गया,
डी फाइव ठीक है, डी फाइव देखो यहां पर देखो इस तरह से एम लाइंस है और इस तरह से एन लाइंस है। तो अगर हमें शॉर्टेस्ट पथ में जाना होता है तो यहां से यहां अगर हमें आना है तो देखो चार लाइन जब हम दिखा रहे हैं तो पथ के गो है स्टेप कितने हुए, तीन स्टेप, मतलब एक स्टेप कम होता है। सिमिलरली यहाँ तीन ठो लाइन है तो स्टेप तो दो ही हुए, दो तो स्टेप्स कितने हुए अपने पास, एम माइनस वन प्लस एन माइनस वन, ठीक है। अब इसको खाली अरेंज कर देना है कि सबसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा तो हमारा शॉर्टेस्ट होगा। तो एम प्लस एन माइनस टू सी, ये किसी भी तरह से हम चुन लें एम माइनस वन, एम माइनस वन, ये जो स्टेप्स है ये हमें हर हाल में लेने हैं। किसको पहले ले रहे हैं ये फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बस उसको ले लेना है एक एक बार सभी को। तो ये हो गया डिस्कशन ना। yes, अगला डिस्कशन किसका करोगे, पार्ट थ्री का होगा और यहां से टॉपिक वन खाली लोगे या टॉपिक टू भी लोगे, ये देखो टॉपिक वन में तो कमी है, टॉपिक टू में दस तक ले, टॉपिक टू में दस तक, टॉपिक टू पूरा नहीं ले रहे हैं दस तक ले रहे हैं, ठीक है। तो कल के लिए डिस्कशन रहेगा पार्ट थ्री और यहाँ टॉपिक वन और टॉपिक टू का दस तक, इतना ही कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब टाइम कितना बचा है, थ्योरी का कुछ टाइम बचा है या नहीं ये बताओ, छह मिनट है सर, थ्योरी को रिकॉर्ड करके डाल देंगे, ठीक है, डिस्कशन को इस तरह से करेंगे, ठीक रहेगा ना, डिस्कशन में समझाना जरूरी है। तो अभी एंड करते हैं।